लोगों ने हमला कर दिया। दरियापुर से युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी अरुण बुंदेले के चुनावी प्रचार के लिए आयोजित सभा में हंगामा हुआ और भाजपा के बाकी उम्मीदवार अरुण बुंदेले के प्रचार के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया। सभा में लगी कुर्सियां और मंच पर भी तोड़फोड़ की गई। तो देखिए कैसे यहां पर सभा होनी थी और सभा के बाद कैसे, रात 10 बजे की सभा थी और आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर कुर्सियां बरसाई जाने लगी। हालांकि इस मामले को लेकर आपको बता दें कि मामला दर्ज कर लिया गया है और 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि रात को जब नवनीत राणा का जनसभा होना था और उन्होंने FIR दर्ज कराई है और साफ तौर पर कहा कि कुछ लोग अश्लील इशारे भी कर रहे थे और यहां पर अचानक से हंगामा बरस गया। साफ तौर पर यह वीडियो देखा जा सकता है। इस पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज किया गया है, आप भी जो देखें। इतनी बता सकती हूँ, बहुत शांति प्रिय से जो हम सभा कर रहे थे और सभा के दौरान जब मैं भाषण दे रही थी, दूर से ही कई लोगों की हुटिंग शुरू हुई और उन्होंने स्पष्ट जोर जोर से यही कहा, अल्लाह हू अकबर के नारे शुरू किए। हमारे कई लोग थे, जब आपके चाहने वाले लोग आजू बाजू खड़े होते हैं तो उससे आपको समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ वहाँ पे चल रही है। फिर भी मैंने बहुत शांति प्रिय से मेरा भाषण कंप्लीट किया। मैंने उनको समझाया कि सब लोग शांति रहो, हमको कोई किसी को कुछ नहीं करना है। हमारा उद्देश्य है कि शांति प्रिय महाराष्ट्र में हमारी सभी विधानसभा चुनाव पार पड़ने चाहिए, क्योंकि आखिर के दो दिन बचे हमारे प्रचार के। हमने सुना कि यहाँ पर क्या कुछ कहा नवनीत राणा ने, वहां पर कैसे हंगामा हुआ, आप ये वीडियो देखें। वहीं हमारे सहयोगी सीधे विनोद जगदाले लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विनोद, हम देख रहे हैं वीडियो और अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, साफ जाहिर होता है कि कैसे वहां पर हंगामा हो गया। नवनीत राणा ने कई गंभीर आरोप भी लगाए, जरा ये बताएं कि अभी इस मामले को लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और ये हंगामा अचानक से इतना ज्यादा कैसे हो गया? देखिए, इसके लिए हमें कुछ पीछे जाना पड़ेगा। आपको पता ही होगा कि नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर, मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पठन किया था, बाद में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। तभी तब से लेकर उद्धव ठाकरे और युवा स्वाभिमान पार्टी में बात नहीं बन रही है। कल जिस गांव में जब प्रचार सभा थी, खल्लार नाम का ये गांव है, वो गांव उद्धव ठाकरे जिनकी जो पार्टी है शिवसेना UBT, उस पार्टी के तहसील अध्यक्ष का वो गांव था। उस गांव में जब इन्होंने सभा को शुरुआत की तब एकाएक नारेबाजी शुरू हुई और दोनों तरफ के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए। उसके बाद जो जिस गांव में जो सभा थी वहां के लोगों ने वहां पर कुर्सियां फेंकना शुरू कर दिया और वहां हंगामा काफ़ी ज़्यादा हुआ। अब नवनीत राणा का ये आरोप है कि उन्हें जान से मारने की वहां पर धमकी दी, उन्हें उनके मुंह पे थूका भी गया, इस तरीके के वो आरोप लगा रही है। लेकिन अभी ये जांच के विषय है, तो पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है। लेकिन ये कह सकते ये पुरानी रंजिश है, ये युवा स्वाभिमान पार्टी और शिवसेना UBT, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत सबसे पहले मुंबई से हुई थी, जब हनुमान चालीसा का पठन का विषय आया था तब से वो शुरुआत हुई थी। और अब ये गांव में प्रचार करने के लिए गए थे और वो गांव उद्धव ठाकरे के तहसील अध्यक्ष है उनका है। अब नवनीत राणा कह रहे कि उद्धव ठाकरे अब जनाब उद्धव ठाकरे हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है आरोप प्रत्यारोप अब तो चल रहा है। अब कुछ घंटे बाकी है प्रचार के लिए और कल का ये रात का ये वहां का वाकिया है। जी बिल्कुल विनोद, ये तो तय है और उन्होंने ये भी गंभीर आरोप लगाए कि वहां पर अल्लाह अकबर के बयान आने लगे, लोग चिल्लाने लगे और उन्होंने ये तक कहा कि मुझे धमकी दी गई। तो सवाल ये उठता है कि इसकी शुरुआत पहले से हुई थी तो कहीं ना कहीं वो टीज और वो चीजें दिखाई दी। लेकिन विनोद, जानना ये चाहेंगे कि जिस तरह से कुर्सियां फेंकी गई लेकिन प्रशासन की टीम भी मौजूद थी वहां पर, उसके बावजूद भी ऐसे हंगामा कैसे ज्यादा बढ़ गया? क्या रोकने की कोशिश नहीं की गई?
देखिए हमें जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार वहां पर सभा ना लेने की बात उनसे कही गई थी, लेकिन प्रशासन ने बाद में नवनीत राणा को वहां पर परमिशन दे दी थी और परमिशन लेने के बाद उन्होंने कल मंच का भी वहां पर निर्माण किया और उसके ऊपर फिर सभा शुरू हुई। सभा शुरू होने के बाद नवनीत राणा का आरोप है कि वहां पर अल्लाह अकबर के नारेबाजी की गई, लेकिन उसके विरोध वाली पार्टी कह रही कि वहां पर हुड़दंग उनके पार्टी कार्यकर्ताओं ने बल्कि नवनीत राणा के कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले वहां पर हंगामा शुरू किया और सत्ता पक्ष के होने के कारण युवा स्वाभिमानी पार्टी ये जोर जबरदस्ती वहां पर की गई, दादागिरी की गई। इसका जवाब फिर गांव वालों ने दिया, ये सामने वाली पार्टी का यहां पर ये कहना है। लेकिन नवनीत राणा ने कहा कि वहां पर कुछ एक धर्म के लोग वहां पर पहुंचे थे, उस धर्म से जुड़े नारेबाजी की गई, मुझे जान से मारने की धमकी दी और उसके लिए मुझे मेरे जो साथ में जो लोग थे उन्होंने गाड़ी में बिठाकर वापस भेजा। बिल्कुल विनोद, देखिए कई आरोप लगाए गए हैं नवनीत राणा की तरफ से, हालांकि ये जांच का विषय बन रहा है, लेकिन नवनीत ये तो अगर लगातार जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं।